अंकुर मलिक और उनकी टीम के द्वारा चोरी की घटना का किया गया 48 घंटे में खुलासा। चोरी के माल के साथ पकड़े गए 3 चोर। कानपुर थाना गोविंद नगर के फैक्ट्री एरिया चौकी क्षेत्र में बीते दिन चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 चोरों को चोरी के माल के साथ चौकी प्रभारी अंकुर मलिक और उनकी टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। घटना का खुलासा एडीसीपी अंकिता शर्मा के द्वारा किया गया। बताते चले, थाना गोविंद नगर की फैक्ट्री एरिया चौकी क्षेत्र में प्लास्टिक के पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी अंकुर मलिक और हेड कांस्टेबल त्रिपुरेश के द्वारा चोरों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए और महज 48 घंटे के अंदर ही घटना को अंजाम देने वाले चोरों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। घटना का खुलासा करते हुए एडीसीपी अंकिता शर्मा ने बताया कि बीती 22 जनवरी को दादानगर फैक्ट्री एरिया चौकी क्षेत्र में वीएस नाम की फैक्ट्री में छत तोड़कर लाखों के पाइप और पाइप बनाने का सामान चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया। घटना को अंजाम देने वाले सभी चोरों को माल समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एडीसीपी अंकिता शर्मा ने बताया कि चोरों के द्वारा चोरी किए माल का कुछ हिस्सा बेच दिया गया, जिसकी बरामदगी का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस पूरी घटना में चौकी प्रभारी अंकुर मलिक, उप निरीक्षक दीपक चौधरी, हेड कांस्टेबल त्रिपुरेश, हेड कांस्टेबल संजय दत्त के द्वारा कड़ी मेहनत कर छत को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरुष सिंह चौहान, निरंजन सिंह राठौर, सचिन कुमार धुरिया को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तीनों युवक थाना गोविंद नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पूरे मामले में फैक्ट्री मालिक और क्षेत्रीय जनता का कहना है, अगर चौकी प्रभारी अंकुर मलिक और उनकी टीम के जैसा कार्य अन्य पुलिस कर्मियों के द्वारा भी किया जाए तो बहुत जल्द शहर में हो रहे अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है। आरटीआई न्यूज 24 के लिए कैमरामैन सुभाष वर्मा के साथ सूरज कश्यप की रिपोर्ट। दिनांक 23 जनवरी को फैक्ट्री एरिया के बीएस फैक्ट्रीज नाम की कंपनी में देर रात एक चोरी हुई थी, जिसमें कि लाखों का पाइप और उसको बनाने के कुछ उपकरण चोरी किए गए थे। इसमें थाना गोविंद नगर की पुलिस को इस घटना का सफल अनावरण करने में सफलता मिल गई है और 3 चोर इन्होंने पकड़े हैं और जिनसे 100% चोरी का माल बरामद किया गया है। इसमें से जो पता चला है, इसमें एक आरुष नाम का व्यक्ति है जो कि उसी फैक्ट्री में काम करता था और उसने अपने 2 साथी निरंजन और सचिन के साथ मिलकर ये चोरी करने की योजना बनाई और 23 जनवरी की रात को इस घटना को अंजाम दिया। इसमें से कुछ थोड़ा 2-4 हजार रुपए का सामान इन लोगों ने कई लोगों को बेचा भी है, जिसके भी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं एवं बाकी 100% बरामदगी थाना गोविंद नगर पुलिस के द्वारा इस मामले में की गई। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है? अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। इसमें से 2 व्यक्ति हैं जो बिहार राज्य के रहने वाले हैं, वहां पर भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह की घटनाओं में ये लोग पहले संलिप्त पाए गए हैं और भी अन्य जानकारियां की जा रही हैं। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।